श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंध के 8वें अध्याय में कमला के उद्धव की विस्तृत कथा आई है। देवताओं एवं असुरों के द्वारा अमृत प्राप्ति के उद्देश्य से किए गए समुद्र मंथन के फलस्वरूप इनका प्रादुर्भाव हुआ था। इन्होंने भगवान विष्णु को पति रूप में वर्णन किया था। महाविद्याओं में ये 10वें स्थान पर परिगणित है। भगवती कमला वैष्णवी शक्ति हैं तथा भगवान विष्णु की लीला सहचरी हैं, अतः इनकी उपासना जगदाधार शक्ति की उपासना है। ये एक रूप में समस्त भौतिक या प्राकृतिक संपत्ति की अधिष्ठात्री देवी हैं और दूसरे रूप में सच्चिदानंदमयी लक्ष्मी हैं, जो भगवान विष्णु से अभिन्न हैं। देवता मानव एवं दानव सभी इनकी कृपा के बिना पंगु हैं, इसलिए आगम और निगम दोनों में इनकी उपासना समान रूप से वर्णित है। सभी देवता राक्षस मनुष्य सिद्ध और गंधर्व इनकी कृपा प्रसाद के लिए लालायित रहते हैं। महाविद्या कमला के ध्यान में बताया गया है कि इनकी कांति सुवर्ण के समान है। हिमालय के सदृश श्वेत वर्ण के 4 हाथी अपने सूंड में 4 सुवर्ण कलश लेकर इन्हें स्नान करा रहे हैं। ये अपनी 2 भुजाओं में वर एवं अभय मुद्रा तथा 2 भुजाओं में 2 कमल पुष्प धारण की हैं। इनके सिर पर सुंदर किरीट तथा तन पर रेशमी परिधान सुशोभित हैं। ये कमल के सुंदर आसन पर आसीन हैं। समृद्धि के प्रतीक महाविद्या कमला की उपासना स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति तथा नारी पुत्रादि के सौंख्य के लिए की जाती है। कमला को लक्ष्मी तथा शोणिशी भी कहा जाता है। भार्गवों के द्वारा पूजित होने के कारण इनका एक नाम भार्गवी है। इनकी कृपा से पृथ्वी पतित्व तथा पुरुषोत्तमत्व दोनों की प्राप्ति हो जाती है। भगवान आद्य शंकराचार्य के द्वारा विरचित कनकधारा स्तोत्र और श्री सूक्त का पाठ, कमलगट्टों की माला पर श्री मंत्र का जप, बिल्व पत्र तथा बिल्व फल के हवन से कमला की विशेष कृपा प्राप्त होती है। स्वतंत्र तंत्र में कोलासुर के वध के लिए इनका प्रादुर्भाव होना बताया गया है। वाराही तंत्र के अनुसार प्राचीन काल में ब्रह्मा विष्णु तथा शिव द्वारा पूजित होने के कारण कमला का एक नाम त्रिपुरा प्रसिद्ध हुआ। कालिका पुराण में कहा गया है कि त्रिपुर शिव की भार्या होने से इन्हें त्रिपुरा कहा जाता है। शिव अपनी इच्छा से त्रिधा हो गए। उनका ऊर्ध्व भाग गौरव वर्ण 4 भुजा वाला चतुर्मुख ब्रह्म स्वरूप कहलाया। मध्य भाग नील वर्ण 1 मुख और चतुर्भुज विष्णु कहलाया तथा अधो भाग स्फटिक वर्ण 5 मुख और चतुर्भुज शिव कहलाया। इन तीनों शरीरों के योग से शिव त्रिपुर और उनकी शक्ति त्रिपुरा कही जाती हैं। चिंतामणि ग्रह में इनका निवास है। भैर वयामल तथा शक्ति लहरी में इनके रूप तथा पूजा विधान का विस्तृत वर्णन किया गया है। इनकी उपासना से समस्त सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। पुरुष सूक्त में श्रींश्च ते लक्ष्मींश्च पत्नियां कहकर कमला को परम पुरुष भगवान विष्णु की पत्नी बतलाया गया है। अश्व रथ हस्ती के साथ उनका संबंध राज्य वैभव का सूचक है। पद्म स्थित होने तथा पद्मवर्ण होने का भी संकेत श्रुति में है। भगवत शक्ति कमला के 5 कार्य हैं, तिरुभाव सृष्टि स्थिति संहार और अनुग्रह। भगवती कमला स्वयं कहती हैं कि नित्य निर्दोष परमात्मा नारायण के सब कार्य मैं स्वयं करती हूँ।
इस प्रकार काली से लेकर कमला तक 10 महाविद्याएं सृष्टि और व्यष्टि, गति, स्थिति, विस्तार, भरण पोषण, नियंत्रण, जन्म मरण, उन्नति अवनति, बंधन तथा मोक्ष की अवस्थाओं की प्रतीक हैं। ये अनेक होते हुए भी वस्तुतः परमात्मा की एक ही शक्ति हैं। जय माता दी।